नमस्कार विद्यार्थियों, हम तीसरा लेसन कर रहे थे जिसका पार्ट टू हमने किया। आज हम पार्ट थ्री में देखें तो मैंने आपको बताया था कि सुनीता विलियम जो है स्पेस में 6 महीने तक रहने का अनुभव उन्होंने बताया कि वहां पर एक्सरसाइज करनी पड़ती है और मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति को बनाए रखना पड़ता है, शरीर को लचीला बनाना पड़ता है, वहां पर सोना और रोज अच्छे अच्छे भोजन लेना ये सब बहुत मुश्किल है। तो वहां पर अपने लचीलेपन को बनाए रखना पड़ता है और वहां पर मांसपेशियों मसल्स और हड्डियों को बहुत ही नुकसान होता है। तो सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर भी काम किया। तो इस तरह से सुनीता ने उस दौरान वहां पर कुछ ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए, कुछ न्यूट्रिशन से संबंधित बहुत सारी खोजें कर रहे वैज्ञानिकों को वो सैंपल और ब्लड सैंपल्स पहुंचाए। हमने यहां तक पार्ट टू में किया था। अब हम आगे देखें कि सुनीता ने कहा कि यहां पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। यानी इस तरह से उन्हें वहां पर जाकर यह अनुभव हुआ कि हम पृथ्वी पर वाद विवादों में झगड़ों में उलझे रहते हैं लेकिन स्पेस में मिलजुल कर रहकर काम कर सकते हैं। तो नई दिल्ली के अमेरिका सेंटर अंतरिक्ष यान जब भारत से पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों उनके जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, यानी ऊपर से जब देखो तो एक ही दुनिया लगती है, वहां से वह विश्व अलग अलग सीमाओं में बटा हुआ नजर नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान, अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है, यह दृश्य बहुत ही मनोहर है। यानी ऊपर से वो नजारा जो देख रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो बता रही है कि यहाँ से पूरा विश्व जो है वो सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, वहाँ पर सुंदर ग्रामीण इलाके, पहाड़, महासागर वो सब बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं और जमीन पर दिखा रहे यह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। तो यहाँ 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ और पूरे विश्व में सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। यानी उसने 194 डेज 18 घंटे 18 आवर्स और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर यह रिकॉर्ड बनाकर सुनीता 22 जून 2007 को वापस लौटी और सुनीता के आश्चर्यजनक कार्यों के से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया और हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यहाँ पर हमारा सुनीता विलियम्स का पाठ पूरा हुआ। आपको आप एक बार रीडिंग करेंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अब इसके शब्दार्थ हैं और मुहावरे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुहावरे वाक्य में प्रयोग के साथ लिखेंगे अपनी नोटबुक में और फिर इसका एक क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।